जा। हैलो, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो कि उम्मीद करते सारे जने ठीक होवेंगे। असं सारे जने ठीक है जी। तो कीरत भी अच घर आ, कीरत में छुट्टी आ। तो हुण मैं करन लगी हाँ सफाई, मतलब दिवाली की सफाई नहीं, नॉर्मल सफाई, क्योंकि दिवाली की सफाई थोड़ी बहुत ही हो गई है। तो थोड़ी मैं आके करनी है, मैं कितने जाना 2 दिन वास्ते, थोनों वह भी जल्दी पता लग जूगा। तो हले मैं सफाई करनी है 2 या 3, कीरत में तो भी 3 दिन वास्ते जाना है। तो फिर क्यों मैं 2 दिन कह दिता, 3 दिन वास्ते। तो कीरत फिलहाल घर अज, कीरत ने छुट्टी आ, कीरत न कल भी छुट्टी सी, कीरत न अज भी छुट्टी आ। कीरत का कल है पेपर, कहदा पेपर तेरा। तो चलो जी हुण आपां इह वीडियो नूं करदे आ कंटिन्यू, क्योंकि 2 दिन हो गए मैं ब्लॉग नहीं पाए। कल चैलेंज वीडियो पाई सी, वह भी एक मतलब छोटी जी, असीं नॉर्मली करन लगे सी चैलेंज आपस में, तो फिर असीं वीडियोज़ बना दित्ती। तो तुसीं मतलब जे चैलेंज वीडियो देखनी है तो पिछे जाके चैनल ते चैक कर सकते हो चैलेंज वीडियो साडी। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं अज का न्यू ब्लॉग। हाँ जी, मैं आ वाले कमरे की डस्टिंग वगैरह कर ली आ। टेबल का मैं कपड़ा धोता सी, तो काफ़ी दिन हो गए, मतलब ये उत्ते जो चाह वगैरह पीते हैं वो हल्के हल्के निशान हो जाते हैं। मैं चल इन्हों मैं धो ही देव, क्योंकि उदा तो हले मेरी दिवाली सफाइया वगैरह होनी आ, पर्दे चादर सारिया धोनिया। एक बार मैं मतलब कमरे वगैरह सारे साफ कर दते, किचन भी साफ करता। तो हूँ 2 या 3 दिन ठहर के मैं सफाई करूँगी। कीरत मेरे बैक कैमरे के पिछे नच रहा जिदा मैं बोल रही हाँ, की हो रहा है। तो यदि डस्टिंग वगैरह मैं कर दी आ जी। तो हूँ कर दे आप बाहरला काम। जी सारा काम वगैरह हो चुके सी, ते कीरत हले नहाता नहीं है। कितना नहाता नहीं, टाइम भी हो गया ट्यूशन का। टाइम हो चुके 2 बज चुके आ। तो हुण कीरत ने जाना ट्यूशन, तो बनाने मिठे चौल। मिठे चौल खाने, ओए मिठे चौल खाने, नमकीन नहीं खाने, इनू मिठे चौल। चलो जी आप बनाने मिठे चौल। ए ना क्या था? चल जाना यार जल्दी कर, मैं बना के देखनी किचन। इधर मैं सारा समान तैयार कर लिया है, तो मैं ट्राईपॉड से फोन लगा दूंगा फिर तो खाने। तू रसोई च खड़ा, ओह नहीं करना है मिठे चावल बनाने तू बनाएगा। हाँ जी हम बना रहे हैं सी मिठे चौल। तो वो मैं एक मतला वाला कप सी चौलों का मैं धो लिया आ, 2 तो 3 बारी वॉश कर लिया आ। तो इधर गैस से फ्राई मैन रखता, लैटता थोड़ी तो घट कर गैस, आवला कलर पा के बनाऊंगी। पहले पा लिए थोड़ा जा
ਕੋਈ ਵੀ ਘਿਓ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਚੈਰੀ ਪਾਪੀ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਚੌਲ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਉਨੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖੰਡ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫੈਕਟ ਮਿੱਠਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮਿਕਸ। ਤੇ ਲੋ ਹੀਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਲ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਲਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤ ਗਿਆ ਆ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀਰਤ ਹੁਣ ਆਊਗਾ 3:30 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਕੀਰਤ ਆਊਗਾ ਉਹੀ 5 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂ 4:30-5 ਵਜੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਆਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਗੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਖਾਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਲ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਆ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦੂੰਗੀ। ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀਰਤ ਦੇ ਪਾਪਾ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਦਾਲ ਖਾ ਖਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਗ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਲੱਗਿਆ ਲੱਡੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹ। ਫੜ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਨਾ ਹੋਰ ਲੁੱਟਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਧੁੱਪ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਧੁੱਪ ਆ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਲਤ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਝਾੜੂੰਗੀ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮੈਂ ਮਾਂਜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੀ ਤਹਿਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਪਸੰਦ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਰੁਕ ਜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਐਨਕ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਨਕ ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਲਗਵਾ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਐਨਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਐਨਕ।
ਹਾਂਜੀ ਦਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਆ ਤੜਕਾ ਬਹੁਤ ਧੂਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ दाल बनाई अज वो भी कीरत दी हूँ मैं अज बनानी सी मैं सेव भाजी ठीक है अज मैं बनानी सी सेव भाजी तो कीरत कहता मैं सेव भाजी खानी नहीं तो मैं दाल पापा ने कहना सेव भाजी नहीं बनाई तू सारी दिहाड़ी एनक तू ला के रख दा मिली हम मिलो मिलाऊंगे सारी दिहाड़ी थोड़ी तेन कहा आया तेन इदा कहा आया भी तू मतलब काम वगैरह कर लगे स्कूल का तो जा फिर टीवी मोबाइल यह जब देख लगे एनक तो पा टीवी देख सारी दिहाड़ी रोटी खाने लगे भी एनक रोटी खाने वे टीवी देख टीवी देखने वाले दादी का फोन आया बाहर
मम्मी की न्यूज चुगल लगाते हैं ते हाँ मेरी बात उभर लग गई। चलो जी हूँ आप बनाने रोटी तो मिलते हैं थोड़ा थोड़ी देर तक कि तेरे पापा भी आ चुके हैं वैसे वो बाईपास से आ थोड़ा जहा गड्डी का काम करवाते हैं तो शायद इस वीडियो के लेट हो जाए शायद आने लगे तो असं ये वीडियो में पहला बन मतलब खत्म कर दी खत्म कर दी। चलो जी बनाने रोटी मिलते थोड़ा थोड़ी देर तक। हाँ जी डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका आ मैं भांडे भी मांजते आ कीरत का दुध भी गर्म कर दिता तो कीरत इधर खा रहा चौल जो मैं अभी दोपहरे बनाए थी तो वो वाले चौल खा रहे हाँ मतलब रोटी वगैरह खाने तो बाद रात में एक बार इदा हों भी ना थोड़ा हल्का जहा मिठा कुछ मिल जाए तो कीरत ने मिठे चौल खा रहे तो नाले इधर हो रही है जी पढ़ाई सवेरे कॉपी चेक करवानी है तो तू दिन दे विच कितना किया सी अज दोस्त कितने जमने पर कितना रह गया हाँ जी इन्हे उदो बाद मतलब मैं सोचा मैं ब्लॉग का एंड कर लवान कीरत को फोन चाहिए आ तो कीरत का मैथ का थोड़ा जहा काम आ इन्हें कॉपी कंप्लीट करनी आ तो कल वाली कॉपी चेक करवानी है मैडम इस करके ते टेस्टी बने हले गर्म नो ठंडे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ना मैं टेस्टी लगते पर दही पा के ज़्यादा टेस्टी लगते मतलब दोपहर वाले चौल से तुम पहला भी दसिया मैं इदा चीज़ कोई वेस्ट नहीं करती होंगी हैगी जो जी चीज़ बची आनू मतलब शाम खा लईदा जां अगले दिन खा लईदा गर्म करके क्योंकि इहदे विच कोई वह नहीं हुंदा हैगा भी हाँ जी वे मतलब दुपहर की बनी आ सवेरे नहीं खानी सवेर की बनी आ शाम नूं नहीं खानी इदा नहीं करना चाहिए पर कई लोग करते आ फिलहाल असी नहीं इदा करते हैगे साढ़े मतलब खा लैंदे आ सारे जणे क्योंकि बहुत मुश्किल नाल कुछ भी आ बहुत मुश्किल नाल एक टाइम की रोटी मिलती है है ना ते तां करके सानू वेस्ट नहीं करनी चाहिए मतलब कुछ भी आ चाहे रोटी आ चाहे दाल सब्जी आ कदर करनी चाहिए सानू अन्न की कदर करनी चाहिए आ ते कीरत ने हुण इतो बाद लैना मोबाइल तो फिर करूँगा एक काम पेपर तेरा फिर कैंसल हो गया तेरे आ हट गई पेंसिल हट गई है दूध पीला फिर थोड़ा जहा गर्म ते मौसम जी पूरी तरह चेंज हो चुका है मतलब ठंड हो चुकी है बिल्कुल ही मतलब समझ नहीं लगती हैगी भी ठंड भी है ते गर्मी भी है जे तो मतलब इस टाइम के टाइम के थोड़ा हल्की जी गर्मैश जी होना हर लाइटा की होंगी आ खेरे खुश हूँ मतलब जीरिया वगैरह वड्डिया जानिया वो करके थोड़ा जहा अग वगैरह लाते पर लानी नहीं चाहिए ये ना बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे आ सह लैन के थोड़ी जी प्रॉब्लम दे अज सवेर तो थोड़ा जहा कि इदा का मौसम होया है भी मतलब आसमान के जिदा धूं वगैरह ज मतलब चढ़िया होया आ तो अजीब जहा सह लैन प्रॉब्लम होंगी आ। चलो जी आप इनू वीडियो ने इत एंड करते हैं तो मिलते हैं किसी नैक्सट ब्लॉग के जे साड़ी वीडियो वधिया लगती है साड़ी वीडियो नू लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दे जिहड़े चैनल ते नवें आ
और चैनल नूं सबसक्राइब कर लियो, शेयर करना ना भुल्लियो जी। तो मिलते हैं किसी नैक्सट ब्लॉग दे विच। बाय बाय।